आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है, उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी, ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। एक अच्छा लेखक अपनी आसपास की दुनिया को ही अपनी रचनाओं में समेट लेता है, उन्हें कहानी या उपन्यास जैसी विधाओं में पिरोकर ऐसा सजीव चित्रण करता है कि वो कई बार अतीत का पुलिंदा बन जाता है तो कभी आने वाले वक्त का आईना। ऐसे ही एक लेखक हुए हैं मंजूर एहतिशाम, जिन्होंने अल्पसंख्यक और मध्यम वर्गीय समाज के दर्द से लेकर जिंदगी के संघर्षों को अपनी लेखनी के जरिए दुनिया के सामने रखा। उन्होंने जिंदगी के जो फलसफे दिए वो आज की भी हकीकत हैं और चार दशक पहले की भी। अपनी कहानियों की तरह ही बहुत ही साधारण और सरल जीवन जिया मंजूर एहतिशाम ने, आडंबर और तामझाम से हमेशा दूर रहे। आज नामी गिरामी में बात करेंगे पद्मश्री लेखक मंजूर एहतिशाम की। 3 अप्रैल 1948 को मध्य प्रदेश के भोपाल में मंजूर साहब की पैदाइश हुई। शुरुआती पढ़ाई भोपाल से ही हुई, फिर ग्रेजुएशन का वक्त आया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले आए। मन तो आर्ट्स का था, हिंदी विषय में ही आगे पढ़ाई करना चाहते थे, लेखक बनना था। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की सोच तो आप जानते ही हैं, कहा गया कि डॉक्टर इंजीनियर बनिए, ठीक ठाक नौकरी पकड़िए और सेट हो जाइए। अब परिवार के दबाव में इंजीनियरिंग में दाखिला तो ले लिया लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और घर यानी भोपाल वापस आ गए। पहले कुछ दिन दवाएं बेचने का काम किया, फिर भाई एजाज के साथ मिलकर फर्नीचर का काम देखने लगे और फिर इंटीरियर डेकोरेटर हो गए। पर इस सब के बीच लिखने का शौक जारी रहा। उनका पहला उपन्यास 1976 में आया, शीर्षक था कुछ दिन और। ये एक पति पत्नी की कहानी है। पत्नी पति के जीवन जीने के तरीके से संतुष्ट नहीं है, उसे उम्मीद है कुछ बदलेगा जरूर, और इसी उम्मीद में वो कुछ दिन और कहकर जिंदगी गुजार देती है। बदलता कुछ नहीं। इसके 10 साल बाद 1986 में आया उनका उपन्यास सूखा बरगद, जो खासा चर्चित हुआ। आज़ादी के बाद एक मुस्लिम मध्यम वर्गीय परिवार में किस तरह से उथल पुथल का माहौल हो जाता है, उनके सामने जो संकट और चुनौतियां खड़ी होती हैं, एक बहुसंख्यक समाज के बीच एक अल्पसंख्यक परिवार कैसा महसूस करता है, उसका बहुत ही मार्मिक और प्रभावी वर्णन उन्होंने इस उपन्यास में किया है। साथ ही ये खुले और रूढ़िवादी विचारों के बीच सामंजस्य की कहानी भी है। उनके इस उपन्यास को खूब मकबूलियत हासिल हुई और इसी उपन्यास के जरिए वे लेखन के उरूज पर पहुंचे। इस उपन्यास ने उन्हें राही मासूम रजा, शानी, अब्दुल बिस्मिल्लाह और असगर वजाहत जैसे उन तमाम बड़े लेखकों की बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया जो मुस्लिम समाज के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। उनके इस उपन्यास के कथानक की एक वजह जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत भी दिखती है। वरिष्ठ पत्रकार प्रियंका दुबे ने 2011 के आसपास जब मंजूर साहब का इंटरव्यू किया था तो इसी से जुड़ा एक सवाल पूछा था। इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा था, इस बारे में प्रियंका हमें बताती है। सूखा बरगद मंजूर एहतिशाम साहब का सबसे चर्चित उपन्यास था। उस उपन्यास के संदर्भ में जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि उस उपन्यास को पढ़कर जाहिरी तौर पर किसी को भी लगेगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो उस घटना की बहुत गहरी छाया है उस उपन्यास पे, और ऐसा भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं तक उस घटना ने प्रेरित किया मंजूर साहब को उस नावल को लिखने के लिए। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, भुट्टो की को इस तरीके से फांसी पर चढ़ाए जाने ने मंजूर साहब को भीतर तक झकझोर दिया था। वो खिल गए थे बहुत। वो कह रहे थे कि वो हमेशा से पाकिस्तानी तानाशाहों से नफरत करते आए, मगर जब जुल्फिकार अली भुट्टो को इस तरीके से फांसी दी गई तो वो कह रहे थे कि मतलब उनके सब्र या उन मतलब उनके सब्र की एक तरीके से इंतहा ही हो गई। उन्हें लगा कि, और उन्होंने ये कहा मुझसे ऑन रिकॉर्ड कि उन्हें पहली बार लगा कि मज़हब के नाम पर अगर कोई देश बनता है तो वहाँ पर सिटीज़न की नागरिक का या नागरिक का जो भविष्य है वो यही हो सकता है।
और बहुत दुखी थे वो इस बात से। अब जब उस इंटरव्यू के एक दशक बाद मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मंजूर साहब आज हिंदुस्तान में जो हालात हैं उन पर क्या सोचते होंगे। मंजूर साहब के लबो लहजे में नजाकत झलकती थी, बिल्कुल अपने उपनाम एहतशाम की तरह उनका आचरण था, जिसका अर्थ होता है विनम्र और शिष्टाचार। आंखों पर गोल चश्मा रहता था और लफ्जों में मिठास घोलते हुए धीरे धीरे बोला करते थे। चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था। हाँ, सिगरेट खूब पिया करते थे। प्रियंका उनसे अक्सर मिलने जाया करती थी। अपने पुराने दिनों को वो याद करते हुए बताती हैं कि उनकी टेबल पर जर्मन सिगरेट्स का एक डिब्बा रखा होता था। मंजूर साहब जो हैं पुराने भोपाल में रहते थे, और जब जो एक रास्ता है पुराने भोपाल में बस स्टैंड की तरफ जाता है, वहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट तिराहा आता है बस स्टैंड की ओर जब सड़क खुलती है। उससे पहले वहाँ पर उनकी रिहाइश थी। बड़ी सी इमारत है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 3 मंजिला इमारत है, जिसमें नीचे लकड़ी का काम होता है, और मुझे याद पड़ता है उसका नाम शिल्पकार भवन था इमारत का। उसमें नीचे लकड़ी की दुकान थी, फर्नीचर वगैरह बनता था, टूटता था, और ऊपर पहली मंजिल पर मंजूर साहब का घर था, उनकी रिहाइश थी, उनका परिवार रहता था, और एकदम राइट में पहला जो कमरा बड़ा सा था साइड एंट्रेंस में, वो उनकी स्टडी थी। स्टडी में वो पढ़ते थे, काम करते थे, लिखते थे। टेबल पर हमेशा, मैं जितनी बार गई हूँ मैंने जर्मन सिगरेट्स का डब्बा देखा है, तो मैं बड़े कौतूहल से उनसे पूछती भी थी कि ये कौन सी सिगरेट हैं। पतली सी दिखती थी, लंबी सिगरेट्स होती थी, अलग डब्बा दिखता था मुझे, तो कहते थे जर्मन सिगरेट्स हैं। मंजूर एहतशाम खांटी भोपाली थे। उनकी ज़्यादातर कहानियाँ उनके अपने शहर भोपाल के इर्द गिर्द ही हैं। किस्सा लखनऊआ के लेखक और जाने माने किस्सागो हिमांशु वाजपेयी उनके भोपाल से रिश्ते को याद करते हैं। भोपाल की आप बात करेंगे तो मंजूर साहब की बात होगी ही होगी, और ये जो किसी शहर से किसी इंसान का कनेक्शन है ये दुर्लभ होता है, ये सबका सबसे नहीं होता। यानी आप देखें लखनऊ में बहुत सारे राइटर हुए, लेकिन हर राइटर का वो कनेक्शन नहीं है जो नागर जी का लखनऊ से था। यानी यशपाल भी लखनऊ में ही रहते थे, लेकिन शहर से जो कनेक्शन है वो नागर जी का जैसा था वो यशपाल का नहीं था। राइटर बहुत बड़े थे वो। तो मंजूर साहब मेरे नजदीक एक ऐसे राइटर हैं जो कि भोपाल की जब बात आएगी तो जो लिस्ट बनेगी भोपाल के राइटर्स की, उसमें मंजूर साहब जो है वो सारे फेहरिस्त होंगे जो हिंदी फिक्शन प्रोज राइटिंग है उसमें। भोपाल में भारत भवन जैसे तमाम कला संस्थान और बीवी कारंत, हबीब तनवीर और शनि गुलशेर जैसी तमाम साहित्यिक हस्तियों ने मंजूर को उनके साहित्यिक कौशल में मदद की। हिंदी के जाने माने कवि सत्येन कुमार से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनके साथ वे एक था बादशाह नाम के नाटक में सहलेखक भी रहे हैं, और न सिर्फ बतौर नाटक लेखक बल्कि रंगमंच पर भी उन्होंने अभिनय किया है। 1993 में उनकी अभिनय की प्रतिभा ने उन्हें मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन की फिल्म इन कस्टडी, उर्दू में मुहाफिज में एक प्रोफेसर की भूमिका पाने में मदद की थी। 1995 में उनके उपन्यास दास्ताने लापता का अमेरिका में प्रोफेसर जेसन ग्रुनबाउम और अलराइक स्टार्क ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका नाम दिया गया था द टेल ऑफ द मिसिंग मैन। इसके बाद उनका ये उपन्यास पूरी दुनिया में खासा प्रसिद्ध हुआ। इस उपन्यास में उन लोगों की कहानी है जो खो गए हैं, मतलब वे लोग जिन्होंने जिंदगी से मुंह मोड़ दिया है, जिनके सामने अपने वजूद को लेकर संकट है, उन्हें नहीं पता कि इस जीवन को आगे कैसे चलाया जाए। जमीर अहमद खान इस उपन्यास का पात्र है। उनके इस उपन्यास को द ग्लोबल ह्यूमैनिटीज ट्रांसलेशन प्राइज भी मिला था। इसके अलावा पहर ढलते, बशारत मंजिल, उनके और भी उपन्यास हैं, मगर ये उतने चर्चित नहीं हुए। मंजूर साहब ने कई कहानियां भी लिखी हैं। दरअसल उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत ही कहानी से की थी, और सबसे पहली कहानी 1973 में छपी थी, रमजान में मौत। अपनी कहानी का किस्सा उन्होंने संवाद नाम के एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था। मेरा पढ़ना और लिखना जो था, पढ़ना तो खैर था ही, लिखना जो है वो कॉलेज का मैगजीन जो है वो तक पहुंचा, लेकिन फिर जब सत्येन से मिले तो सत्येन ने एक दो बार कहा कि तुम भी लिखो। ये कुछ एक घटना ऐसी हुई कि उसी बीच में ईद पड़ी, ईद के दिन एक हमारे परिचित थे उनका देहांत हो गया, तो मैं हम लोग कहीं मिलने गए थे, वहाँ से सत्येन को मैं बता रहा था रास्ते में कि ये व्यक्ति जो थे ये क्या थे, उनका परिवार क्या था और क्या नहीं था पूरा कहानी। तो वहाँ से वापस आए तो हमीदिया रोड पे वो पेगोडा करके रेस्तरां जो हुआ करता था
तो उसमें हम लोग बैठे, तो सत्य ने कहा कि तुम इस पे कहानी लिखो। मैंने उसे टालने की कोशिश की, सत्येन ने पूरा एक डिज़ाइन मुझे सुझाया था कि ये इस तरह से, उस डिज़ाइन पे वो कहानी उन्होंने खुद लिखी फिर बाद में, और उसमें उनको सम्मान भी मिला एक। लेकिन फिर मैंने अपने हिसाब से वो कहानी रमज़ान में मौत करके एक जो सारी काम है पहली कहानी आई थी मेरी 77 में। और गनीमत देखिए, माहे रमज़ान के इन्हीं पाक दिनों में वे भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। कोरोना की महामारी ने 26 अप्रैल 2021 को एक बेहद जहीन अफसाना निगार को हमसे छीन लिया। मंजूर साहब पहले भी काफी समय तक बीमार रहे। 2019-20 में जब उनकी हालत कुछ ठीक हुई तो अपने कुछ अधूरे उपन्यासों को वो पूरा करने में लगे हुए थे। हालांकि उन्होंने जितना भी लिखा है उसने समाज और साहित्य पर गहरी छाप छोड़ी है। साहित्य की सेवा के लिए 2003 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया था। इसके अलावा श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, कलकत्ता का पुरस्कार, वीर सिंह देव पुरस्कार और बागीश्वरी पुरस्कार जैसे कई सम्मान उनकी झोली में आए। मंजूर एहतशाम ने हिंदी साहित्य में जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मजलूम, मासूमों के हिमायती और रूढ़िवादी जड़ों पर चोट करने वाले साहित्य का जब जब जिक्र होगा मंजूर एहतशाम याद आएंगे। मंजूर एहतशाम को लेकर नामी गिरामी में ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा radio@aajtak.com पर। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। आप कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से, आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और सारी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।